सो हे गाई स्वागत आपका एक और फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में और आज की इस वीडियो में बात करेंगे भी रेल विकास निगम लिमिटेड रेल विकास निगम लिमिटेड आप लोग देखोगे भी सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है और 270 के भाव में आज आप लोग देखोगे उसको भी ब्रेक कर चुका है भाई ठीक है तो आप लोग सुबह तो जो स्टॉक है दो सौ के, के आसपास था और वहां पर मैंने आपको बोला था कि स्टॉक की जो है सर्किट लिमिट कितने ट्वेंटी परसेंट की है और अभी के टाइम अगर आपको ये दो सौ पचास देखो शॉर्ट टर्म वाले हैं भाई देखो मैंने आपको पहले बोला थोड़ा दूर रहिए क्योंकि अगर आपको चार्ट के ऊपर आपको चार्ट के ऊपर ज्ञान है या फिर आप लोग जो ना है खबरों के ऊपर फोकस रखते हो ठीक है रेलवे या फिर ट्रेंड को फॉलो कर रहे हो तो इन सब को देखते हो आप लोग ट्राई कर सकते हो अदरवाइज अगर आप लोग ऐसे ही जो ना भी उठा कर आ जाते हो कि हम यहाँ पर ये इसमें तेज़ी बनी होती तो यहाँ पर हम पैसा लगा कर थोड़ा बहुत बना लेंगे तो ऐसा नहीं है आपको चार्ट के ऊपर ज्ञान होना चाहिए आज आप लोग ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट के बाद जो स्टॉक है वो सीधा दो सत्तर प्लस निकला है और जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रखा है उनके लिए प्रॉफिट्स बहुत शानदार है भाई दस परसेंट आज भागा है तो ये दस परसेंट कुछ भी नहीं है क्या पता देखो भाई हमारे टारगेट तो दो सौ पचास रुपये के थे बजट तक लेकिन स्टॉक कहाँ पर पहुँच गया स्टॉक पहुँच चुका दो सौ सत्तर के भाव में और ये हो चुका भी बजट से पहले तो भाई इतना तो एक्सपेक्ट ही नहीं था कि दो सौ सत्तर भी स्टॉक जाएगा ठीक है यही एक सौ दो सौ पचास रुपये के आसपास के हमारे जो ना टारगेट थे कि स्टॉक जो ना ना मैक्सिमम वहां तक जा सकता है बजट तक लेकिन ये तो उसको भी पार कर गया अभी तो एक अभी शुरुआत ही है ये तेजी अभी और आना बाकी है ठीक है शॉर्ट टर्म वाले अभी मैं फिर बोल रहा हूं भी देखो ये जो तेजी बनी ना अभी के टाइम एक सौ नब्बे एक सौ निन्यानवे रुपये के आसपास से जो स्टॉक है सीधा दो सौ सत्तर के भाव में आए तो इस तेजी के बाद जो ना अभी शॉर्ट टर्म में कोई माहौल नहीं है लेकिन जो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगा रहे हैं वो लगा सकते हैं भाई अभी भी इस तेजी के ऊपर भी अगर पैसा लगाना चाहे लॉन्ग टर्म के लिए तो वो ट्राई कर सकते हैं बट शॉर्ट टर्म के लिए अभी यहाँ पर कोई भी मौके नहीं है तो शॉर्ट टर्म वाले एक डिप का वेट कीजिए वो डिप देखो भाई कल भी आया था और उससे पहले तो इतना बड़ा मौका नहीं मिला कल दो सत्ताईस तक स्टॉक नीचे में गया था आई थिंक ठीक है वहाँ पर एक मौका था लेकिन अगर नहीं खरीदा तो कोई दिक्कत नहीं है मौके फिर आपको मिल जाएंगे इस भागते हुए स्टॉक को पकड़ने की गलती मत करना अभी के टाइम कहीं आप लोग जो तो दो सौ पर ख़रीद लो कि भाई 300 जाएगा ही जाएगा ऐसा बिल्कुल नहीं है कुछ भी नहीं कह सकते भाई क्या पता कल जो सेलर आ जाए आज जो ना भी प्रॉफिट बुकिंग होने लग जाए तो कुछ भी नहीं कह सकते लेकिन ट्वेंटी सर्किट है इसलिए जो ना स्टॉक में इतनी गजब की रैली बनी है ये ठीक है बायर्स एक्टिव है ठीक है ट्रेंड चल रहा है अभी रेलवे स्टॉक्स का तो और आपको क्या चाहिए तो यहाँ से जो है स्टॉक में बहुत अच्छे मोमेंटम बने हैं बहुत अच्छी बात है तो यहाँ से जो नेक्स्ट टारगेट हो सकते हैं देखो चार्ट के ऊपर ब्रेकआउट हुआ है और छः करोड़ सत्तावन लाख के आसपास की वॉल्यूम है और आप लोग देखोगे बजट के ऊपर भी जो है अपडेट पर अपडेट आ रही है कि पच्चीस जो है ना हो सकता है अब की बार ठीक पच्चीस परसेंट बढ़ सकता है हो नहीं सकता जो पहले था उससे पच्चीस परसेंट बढ़ाकर आ सकता है रेलवे सेक्टर के लिए और अभी तो देखो भाई आज मार्केट में जबरदस्त रैली बनी है देखो दो दिन मार्केट में गिरावट हुई लेकिन ये स्टॉक इतना ज्यादा नहीं टूटा था भाई ठीक है लेकिन आज आप लोग मार्केट में रैली बनी तो स्टॉक में धमाकेदार जो नवी वापसी हुई है और ये तो कुछ भी नहीं है स्टॉक अभी और चलना है तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर पैसा लगा रहे हो तो ट्राई कर सकते हो और शॉर्ट टर्म की रही बात तो शॉर्ट टर्म में देखो भाई थोड़ी सी दूरी बना के रखना शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक सही नहीं है अभी के टाइम ठीक है तो चलिए अब देखते हैं इसका चार्ट तो यहाँ पर आप लोग देखो 250 के आसपास का ब्रेकआउट लेवल था स्टॉक ने इसे ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद आप लोग देखोगे सीधा 270 के भाव में तो इसी कंडीशन में अगर आप लोग शॉर्ट टर्म में है कर रहे हो तो अभी कोई माहौल नहीं है देखो भाई दो का स्टॉप लॉस अगर इतना बड़ा स्टॉप लॉस लोगे अठारह अठारह पॉइंट्स का तो कैसे बात बनेगी ठीक है और टारगेट क्या हो सकते हैं ऊपर में तो टारगेट कुछ भी नहीं हो सकता अगर लॉन्ग टर्म के लिए ट्राई कर रहे हो अभी बजट तक होल्ड करना है तो बजट तक जो अभी तीन तक के जो मूव है वो स्टॉक में बन सकते हैं बजट तक ठीक है बजट अभी बाकी है भाई बजट से पहले ये माहौल है रिजल्ट बाकी है बजट बाकी है इलेक्शन बाकी है उससे पहले ये गर्मा वाला माहौल है तो आगे आप लोग सोच सकते हो भी क्या हो सकता है तो लॉन्ग टर्म वाले कोई दिक्कत नहीं है अगर आपने दो सत्रह से भी उठाया तो भी कोई दिक्कत नहीं है अगर नीचे स्टॉक आता आपके बाइंग प्राइस से तो वहां से और खरीद लेना भाई बस ये स्ट्रेटेजी दिमाग में बैठा के चलो कि नीचे में मिलेगा और खरीद लेंगे लेकिन बेचना नहीं है स्टॉक को तो लॉन्ग टर्म वाले तैयार रहिए कहाँ पर भी देखो ब्रेकआउट होने के बाद जो स्टॉक को टटता नहीं है पीछे भी हमें देखा होगा अब भी आपने देख लिया तो ब्रेकआउट के बाद स्टॉक नहीं डट रहे तो लॉन्ग टर्म में जो स्टॉक है वो अच्छा चलेगा आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद है लाइक कीजिए सपोर्ट नीचे में दो का और बिजना तो कहीं पर है भी नहीं अभी हमें दो ठीक है और लॉन्ग टर्म के लिए चलेंगे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो